नमस्कार दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 से कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी साइंस सब्जेक्ट की पढ़ रहे थे। उसमें दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बेबी का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, एयर पोल्यूशन क्या है या उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, वाटर पोल्यूशन के बारे में हमने कल डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फोर्स किसे कहते हैं और फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों फोर्स का मतलब होता है किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही हम बल कहते हैं। फोर्स लगने के लिए दोस्तों एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट के बीच इंट्रैक्शन होना जरूरी है। अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच इंट्रैक्शन होगा तो फोर्स उस पे कार्य करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों किसी वस्तु को दी गई गति, जो दी गई गति होती है उस पे बल लगने के कारण होती है, उस पे बल लगने के कारण होती है। दोस्तों अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक्सप्लोरिंग फोर्स का मतलब है बलों की खोजबीन। तो जब हम फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो उस पे जो है बल ऐड होता है। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे इस पे दो आदमी एक बॉक्स को सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो जो इसका एफ नेट होगा वो F1 + F2 होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर दो फोर्स क्या है अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं किसी वस्तु पे तो जो नेट फोर्स होता है उनके बीच डिफरेंस के बराबर होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें दो पीपल हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं इस बॉक्स को अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन से डिफरेंट फोर्स लगा रहे हैं तो जो इनका एफ नेट होगा वो F1 - F2 होगा। हमारा अगला पॉइंट है कि नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, जीरो होगा जब जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो, इक्वल हो, और अपोजिट डायरेक्शन हो तो जो है उस पे लगने वाला फोर्स जीरो होगा। मान लो एफ नेट F1 और F2 के बराबर होता है, लेकिन हमने बताया कि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहे हैं तो F1 - F2 और दोनों की वैल्यू सेम है तो F - F मतलब एफ नेट हो जाएगा जीरो। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे ये आदमी इस कार को क्या कर रहा है, ये आदमी इस कार को धक्का दे रहा है और ये लड़कियां एक दूसरे को अपनी तरफ क्या कर रही हैं, खींच रही हैं। तो दोस्तों हमने फोर्स की डेफिनेशन पे बताया था किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही हम क्या कहते हैं, हम बल कहते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि फोर्स कैसे किसी की गति की अवस्था को परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा उसकी चाल को हम क्या कर सकते हैं, उसकी चाल को हम बदल सकते हैं। जब फोर्स अप्लाई हम करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे उसी डायरेक्शन में मोशन के तो उसकी स्पीड क्या होती है दोस्तों, इंक्रीज कर जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो बच्चा है ये टायर को क्या कर रहा है, ये टायर को धक्का दे रहा है तो इसकी चाल क्या है, इसकी चाल जो है बढ़ जाती है क्योंकि बच्चा उसी डायरेक्शन में क्या है बल लगा रहा है, बल लगा रहा है उसी डायरेक्शन में तो इसलिए इस टायर की चाल जो है बढ़ जाती है। अगर फोर्स को अप्लाई करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन में अपोजिट टू मोशन के, मान लो मोशन इस डायरेक्शन में और हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी स्पीड जो है घट जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे कि ये बोल रहा है कि चेंज इन आइदर स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन आर बोथ इज डिक्रीज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन।
तो इसका कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड में या उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन में या स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों को चेंज करते हैं तो उसकी गति की अवस्था में क्या है, परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन हम कर सकते हैं। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। तो दोस्तों अभी तक हमने बल की डेफिनेशन पढ़ी, फोर्स का मतलब पढ़ा कि किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को ही हम बल कहते हैं। यदि हम बल सेम डायरेक्शन में लगाते हैं तो एफ नेट जो होता है दोनों का सम हो जाता है। अगर हम बल अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं तो जो एफ नेट होता है दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है। यदि हम बल को, इसके बाद हमने पढ़ा, यदि हम बल को जो है किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड की डायरेक्शन में लगाते हैं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। यदि हम बल को स्पीड ऑफ मोशन के अपोजिट लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट के तो उसकी स्पीड घट जाती है। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब्ड होता है किससे, गति की अवस्था उसकी स्पीड से और उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन से। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है दोस्तों जीरो है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है या मोशन में हो सकता है, दोनों ही उसकी गति की अवस्था के कारण होता है। दोस्तों ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स या मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स को रेखीय बल कहते हैं और कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है संपर्क बल। संपर्क बल दोस्तों जनरली जो फोर्स अप्लाई होता है किसी ऑब्जेक्ट पे तो उसमें क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट के साथ आपकी बॉडी का संपर्क होना जरूरी है। तो ये फोर्स जो होता है वो कॉज्ड होता है किसके द्वारा, एक्शन ऑफ मसल के द्वारा जो हमारी बॉडी में होती है। इस वजह से क्या कहते हैं इसको, क्योंकि ये एक्शन ऑफ मसल की वजह से हो रहा है इसलिए हम इसे मस्कुलर फोर्स कहते हैं। बट ये मस्कुलर फोर्स दोस्तों कब अप्लाई होता है, जब हमारी बॉडी उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। दोस्तों इसका सीधा मतलब है बस इतना कहने का कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पे हम फोर्स लगा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी का उस ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट होना जरूरी होता है, इसलिए हम इसे कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। चूंकि ये फोर्स मसल के द्वारा लगता है और मसल हमारी बॉडी में होती है इसलिए हम इसे मस्कुलर फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन किसे कहते हैं। तो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। दोस्तों ये सब डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। फ्रिक्शन फोर्स कब काम करता है, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट करता है कब, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है हम जानते हैं, ये अराइज होता है किससे, कांटेक्ट होना चाहिए उस सरफेस के बीच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होने के लिए, इसलिए इसे हम कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स। एक मैग्नेट एग्जर्ट करता है फोर्स अनदर मैग्नेट पे बिना कांटेक्ट में आए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। मतलब एक मैग्नेट एग्जर्ट करेगा फोर्स एक अदर मैग्नेट पे बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए, तो फोर्स एग्जर्टेड बाई मैग्नेट ये किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसे कहते हैं दोस्तों? अब हम इसको पढ़ेंगे दोस्तों। सारे फोर्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो फोर्स जो एग्जर्ट किया जाता है किसी चार्ज बॉडी के द्वारा किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे, मान लो ये कोई चार्ज बॉडी, उसके द्वारा फोर्स एग्जर्ट किया जाए किसी एक चार्ज बॉडी पे या किसी अनचार्ज बॉडी पे, तो उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। या फोर्स कब काम करता है दोस्तों? जब एक बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, इसलिए हम इसे नॉन कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो दोस्तों नॉन कांटेक्ट फोर्स के दो एग्जांपल हो गए, मैग्नेटिक फोर्स जो फोर्स मैग्नेट के द्वारा एग्जर्ट होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों नॉन कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। और कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं दोस्तों फ्रिक्शन फोर्स और मस्कुलर फोर्स, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हैं। इसके बाद क्या है दोस्तों? ग्रेविटेशनल फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट क्या है, ये फॉल करता है अर्थ की तरफ, जब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरता है तो ये उसे खींचती है। जो ये फोर्स होता है ये किस वजह से लगता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से लगता है, इसलिए इसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट पे लगती है दोस्तों। प्रेशर क्या होता है दोस्तों? फोर्स जो काम करता है यूनिट एरिया ऑफ सरफेस पे, तो उसे हम कहते हैं प्रेशर। दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस, उसे हम प्रेशर कहते हैं। तो P बराबर F बाई A। दोस्तों ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन फोर्स। तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है दोस्तों, वो हमेशा अपोज करता है लगाए गए बल का। यदि आप फोर्स लगा रहे हो राइट डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप बल इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह अगर आप जो है फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेफ्ट में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? वो राइट डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका कहने का मतलब है फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन का अपोज करता है दोस्तों। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। दोस्तों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तभी ग्रेटर होता है जब सरफेस रफ हो, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसमें फ्रिक्शन तब इंक्रीज होता है जब दो सरफेस के कांटेक्ट के बीच बहुत ज्यादा इररेगुलरिटी हो। जैसे आप देख रहे हैं ये सब, इनका सरफेस कितना रफ बनाया गया और इसमें कितनी इररेगुलरिटी है। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा और इररेगुलरिटी होगी इनके कांटेक्ट के बीच में, उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा। दोस्तों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाता है जब दो सरफेस को हम बहुत तेजी से प्रेस करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है दोस्तों? किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति अवस्था में लाने के लिए फ्रिक्शन को पार करने की अवस्था में वस्तु पर लगाया गया बल ही उसका स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है दोस्तों? किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल क्या कहलाता है दोस्तों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब काम करता है दोस्तों? जब एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड कर रहा होता है। इसके बाद दोस्तों पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन एक नेसेसरी इविल है। ऐसा क्यों बोला गया है दोस्तों? अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम किसी पेन और पेंसिल से लिख नहीं सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो वो रुकेगा नहीं अगर उनके बीच फ्रिक्शन ना हो। जब हम दोस्तों अपने हाथों के पाम को तेजी से रब करते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो दोस्तों इसलिए फ्रिक्शन को क्या है? नेसेसरी इविल माना गया है।
पढ़ेंगे दोस्तों रोलिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी रोल करती है सरफेस ऑफ एन अदर बॉडी तो उसकी मोशन में जो बाधा आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं दोस्तों। रोलिंग रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, इसलिए हम कह सकते हैं कि रोल करना इजी होता है किसी बॉडी का दूसरे बॉडी पे स्लाइड करने की अपेक्षा। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, रोलिंग मतलब इजी होता है स्लाइड करने की अपेक्षा, ये पूछा जा सकता है। फ्लूइड फ्रिक्शन किसे कहते हैं दोस्तों? तरल जो होते हैं वो इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर क्या लगाते हैं? घर्षण बल लगाते हैं दोस्तों। तो जो ये फ्रिक्शन फोर्स होता है एग्जर्टेड बाय फ्लूइड इसे क्या कहते हैं? इसे ड्रैग कहते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का जो फ्लूड में है वो किस पे डिपेंड करता है? उसकी स्पीड पे विद रिस्पेक्ट टू इट्स फ्लूड। और फ्रिक्शन फोर्स किस पे और डिपेंड करता है दोस्तों? वो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट और नेचर ऑफ फ्लूड पे भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी और हमने पढ़ा कि फोर्स के द्वारा हम कैसे चेंज कर सकते हैं स्टेट ऑफ मोशन को। हमने कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से होते हैं, हमने ये भी पढ़ा फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। तो दोस्तों यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।